कुशन कवर बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्लॉथ लिया है मैरून और क्रीम कलर का, आप चाहें तो कॉटन भी ले सकती हैं। स्केल, सीजर, थ्रेड, बटन्स और चॉक लिया है हमने। तो सबसे पहले हमें क्लॉथ की कटिंग देखनी है। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर पीसेस कट करने हैं। ये मैंने 5 पीसेस कट किए हैं और इसे फ्लावर बनेगा जो हम सेंटर में लगाएंगे। फर्स्ट कटिंग हो गई, सेकेंड कटिंग अब हमें क्या करना है, क्रीम कलर के कट करनी है। ये 6 इंच बाय 6 इंच है। थर्ड हमें मैरून कलर के क्लॉथ में कटिंग करनी है। ये 15 इंच है, 15 इंच लंबाई में, 15 इंच चौड़ाई में। इसका हमने 1 पीस लिए है और ये फ्रंट के पीसेस हैं। और यहाँ पे मैंने 4 स्ट्रिप लिए है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच है। यहाँ पे मैंने 4 पीसेस लिए हैं। ये सारे जो है ये फ्रंट पीस के हैं, फ्रंट वाले पीसेस हैं। और बैक पीस के लिए, कुशन के लिए हमने यहाँ पे 2 पीसेस कट किए हैं बैक साइज के लिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 11 इंच इंटू 15 इंच कट किया है 1 पीस। और दूसरा जो पीस हमने कट किया है वो 6 इंच इंटू 15 इंच हमने कट किया है। तो ये जो कुशन हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं कुशन कवर, वो 14 इंच बाय 14 इंच के हैं। तो ये जो चौड़ाई है क्लॉथ की वो 15 इंच हमें लेना है। हाफ हाफ इंच हमें दोनों साइड क्लॉथ की स्टिचिंग में जाएगी। अब सेकेंड हमें क्लॉथ की स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने बैक साइड के 2 पीसेस लिए हैं, ये कुशन के पीछे के साइड है। तो इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। और इस साइड यहाँ से यहाँ तक सेम इस तरह से हमें फोल्ड करना है और वन साइड हमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये बैक साइड की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें फ्रंट साइड की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे बड़े पीसेस जो हैं 15 इंच बाय 15 इंच के, वो हमें लेने हैं और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इक्वल फोल्ड करना है इस तरह से। और हमें इसके सेंटर में यहाँ पे मार्क करनी है। और अब हमें ये जो हमने 4 पीसेस इसे फोल्ड किए हैं बिल्कुल इक्वल फोल्ड करना है। इसके यहाँ पे इस तरह से हमें सेंटर में मार्क लगानी है और सेम इस तरह से सेंटर वाले जो 6 इंच बाय 6 इंच के पीसेस हैं इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इसे हमने फोल्ड कर दिया और सेम यहाँ हम मार्क लगा लेंगे। और अब हमें सुई में थ्रेड लेनी है व्हाइट। और इस तरह से देखिए ये जो हमने मार्क लगाया बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ से हमें सुई इंसर्ट करनी है। दोनों पीसेस को आपस में ऐड कर देना है। यहाँ पे 2-3 स्टिच आप लगा लें। अब इसे स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, हर साइड से 2-2 इंच 2 इंच हमें यहाँ पे इस तरह से स्केल रखनी है और मार्क लगाना है। 2-2 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो ये लाइन जो है हमने चारों साइड बनानी है। 2 इंच हमने चारों साइड छोड़ा है। अब हमें क्या करना है, इसकी अब स्टिचिंग करें। इस तरह से चारों साइड आप हाफ हाफ इंच अंदर की ओर फोल्ड करके स्टिच कर लें। और ये जो हमने लाइन बनाई है इस पे जो हमने 4 स्ट्रिप कट किया था इसे इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करें। अगर आप इस पे प्रेस कर देंगे आयरन करने से ये बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से मुड़ जाएगा। और अब हमें यहाँ से इसे यहाँ तक स्टिच लगानी है। देखिए क्लियर। तो इस तरह से हमें 4, 1, 2, 3, 4, 4 लाइन में यहां से यहां स्टिच करनी है और इसके हाफ हाफ इंच हमें स्टिच लगानी है। अब देखिए यहाँ पे इसकी स्टिचिंग हमने कंप्लीट कर ली है। 4 साइड हमने स्ट्रिप लगाया है और सेंटर में ये 6 बाय 6 इंच के पीस लगाए हैं हमने। तो यहाँ पे अब जो है ये एक्स्ट्रा क्लॉथ जो है इसे हम कट कर लेंगे।
कट करने के बाद ये फ्रंट वाले जो पीसेस हैं वो अब रेडी हो जाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर बैक वाले पोर्शन को अटैच करने के बाद हम यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे। तो बैक वाली पोर्शन जो है इस तरह से स्टिच करके हमने रेडी कर लिया है। तो इस तरह से सबसे पहले बड़े वाले पीसेस को इस तरह से लगाएं, फिर नेक्स्ट छोटे वाले जो पीस है इस तरह से लगाकर हमें यहाँ पे पिनअप कर लेना है। आप पिंस ले लें और इसे फोर कॉर्नर में अच्छे से पिनअप करने के बाद ही स्टिच करें, इससे कुशन की जो है साइज और परफेक्ट आती है स्टिच लगाने में। तो इस तरह से हमें पिनअप कर लेना है और इसे चारों साइड हाफ हाफ इंच छोड़कर हमें स्टिच लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है। इस तरह से आप इसकी फोर कॉर्नर की स्टिचिंग कर लें। स्टिच करने के बाद इसे इस तरह से हमें फिंगर डालकर कॉर्नर में इसे फ्रंट की साइड हमें पलटाना है और अब हमें सेंटर में जो है यहाँ पे हम एक फ्लावर लगाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए हमने फाइव पीसेस कट किए हुए हैं। फाइव पीसेस जो हमने कट किया हुआ है इसे वन पीस को इस तरह रखें, ये अपोजिट साइड है और ये फ्रंट की साइड है। तो इसे हमें इस तरह से पहले दोनों कॉर्नर मिलाना है, फिर अगेन इसे वन फोल्ड और इस साइड से हमें इस तरह से पकड़कर इसकी इस तरह से स्टिचिंग करनी है। यहां आप मैरून कलर का ही थ्रेड यूज करें, मैं व्हाइट इसलिए लगा रही हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पता चले। इस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। इसके बाद अगेन हमें दूसरा पीस लगाना है। तो इस तरह से हमें फाइव पीसेस यहाँ कंप्लीट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे फाइव पीसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस दोनों थ्रेड को मिलाकर हमें टाइटली नॉट लगानी है। इस तरह से आप बिल्कुल टाइट करके यहाँ पे टू थ्री टाइम्स नॉट लगा लें। अब यहाँ देखिए नॉट लगाने के बाद हमें इसकी आपस में इस तरह से स्टिचिंग करनी है। और अब यहाँ पे हमें नॉट लगा लेना है, नॉट लगा के कट कर दें। अब सेंटर में मैंने यहाँ पे एक बिट्स बनाई है। तो देखिए इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बटन लिया है। बटन को हमें इस तरह उल्टा रखना है क्लॉथ के ऊपर और इसे इस तरह रखकर एक्स्ट्रा क्लॉथ जो है इसे आप कट कर लें। और हमें थ्रेड लेनी है और इसकी स्टिचिंग बिल्कुल अच्छे से करनी है। तो ये बनके जो है कुछ इस तरह के बटन्स हो जाएंगे। और अब हमें इन बटन को यहाँ पे लगाना है। तो सुई थ्रेड के जरिए इसे यहाँ पे आप लगा लें। हमने बटन लगा दिए हैं। इसकी बैक साइड की स्टिचिंग देखिए, फ्रंट। अब हमें क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे फोर टाइम फोल्ड किए हुए थ्रेड यूज किए हैं और इसे भी जो हमने फ्लावर बनाया है यहाँ पे भी मैंने फोर टाइम फोल्ड किए हुए थ्रेड यूज की हूं। और अब जो है यहाँ पे सेंटर में जो हमने यहाँ पे थ्रेड लगाया है जस्ट यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है। तो इस तरह से आप ऐसे पकड़ लें और बिट्स को बिल्कुल इस सेंटर में रखें और इसे साइड साइड हमें इस तरह से फ्लावर लगाकर अटैच करते जाना है। पूरा घुमाकर हमें ये फ्लावर को सेंटर में अटैच करना है, वो भी 8-9 टाइम फोल्ड करके इसे हमें अच्छे से यहाँ पे लगाना है और बैक साइड हमें यहाँ कट करके थ्रेड हटा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग जो है 8-9 टाइम बहुत ही अच्छे से की है। तो इस तरह से आपको इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। अब देखिए इसके बैक साइड को इस तरह से
हमने यहाँ पे स्टिच किया है ताकि इसे वॉश करते समय भी फ्लावर जो है कुशन से बाहर ना निकले। तो अब देखिए ये कुशन कवर बनकर रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स आप ये कुशन कवर जरूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।